नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में और आप सभी के चैनल टेस्ट्यूब पे। आज आप सभी के स्वयं की ऐप पे आप सभी के वीक नंबर 18 में टेस्ट स्टार्ट हुई है एक और। उस टेस्ट को आज हम इस वीडियो में देखेंगे जिसमें 7 क्वेश्चंस होंगे। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं सभी से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें और कम से कम शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब की बटन नीचे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। सबसे पहले आप सब अपने अपने स्वयं की ऐप को ओपन कर लें। स्वयं की ऐप को ओपन करिएगा तो आपके सामने सबसे पहले नोटिफिकेशन विंडो आएगी। उसके ठीक बगल में होता है माई कोर्सेज विंडो, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर माई कोर्सेज विंडो। आप सभी को माई कोर्सेज विंडो में जाना है। उसके बाद आप सभी को जाना है कोर्स नंबर 503 में। कोर्स नंबर 503 में जाने के बाद आप सभी को जाना है सीधा वीक नंबर 18 में। तो जैसे ही यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो टेस्ट हैं। पहला टेस्ट है 29 जनवरी को, दूसरा टेस्ट है 31 जनवरी को। 29 जनवरी वाले टेस्ट को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे 60,000 लोगों ने अभी तक इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया है। अभी काफ़ी कम लोगों ने अटेम्प्ट किया है। तो अगर आपने इस टेस्ट को नहीं दिया है तो आपके चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें 91 क्वेश्चन हैं। आज हम जिस टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं ये है आज की टेस्ट, यानी 31 जनवरी की टेस्ट। आपको इस पर क्लिक करना है, इसमें 7 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अटेम्प्ट टेस्ट पे क्लिक करें टेस्ट को स्टार्ट करने के लिए। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं इस बार के टेस्ट में इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज का यूज़ हुआ है। जैसे कि पहले NIOS केवल छोटे छोटे जो टेस्ट होते थे उसमें केवल एक ही लैंग्वेज का यूज़ करती थी, जो कि था इंग्लिश, जिससे हमारे हिंदी के सब्सक्राइबर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी। बट आज इस टेस्ट में इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज़ हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, इन द प्रेजेंट असेसमेंट सिस्टम विच ऑफ दीज स्टेट्स आर नॉट पॉसिबल फॉर द चाइल्ड। वर्तमान में चल रहे आकलन की प्रक्रिया से बच्चे में कौन सी स्थिति आने के नगण्य संभावना होती है, यानी वर्तमान में चल रहे आकलन की प्रक्रिया से बच्चे में कौन सी स्थिति आने की नगण्य संभावना होती है। पहला ऑप्शन है स्टेट ऑफ टेंशन, तनाव। दूसरा ऑप्शन है स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा। तीसरा ऑप्शन है स्टेट ऑफ वरी एंड इंसल्ट, चिंता और अपमान। चौथा ऑप्शन है स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट, प्रसन्नता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4 यानी स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट, प्रसन्नता सही उत्तर है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी मार्क्स डिड मयंक गेट इन क्लास। कक्षा में मयंक को कितने नंबर मिले। देखिए इस क्वेश्चन को देख के आप सब कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप कोर्स नंबर 503 को पूरी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको उसमें एक स्टोरी मिलेगी जिसमें मयंक एक कैरेक्टर है उसमें, तो उसमें लिखा हुआ है कि मयंक को क्लास में 2 नंबर आए थे, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मस्ट वी केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग असेसमेंट। आकलन के दौरान किस चीज़ का ध्यान रखना होगा। पहला ऑप्शन है कंपेयर द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड विथ हर प्रीवियस लेवल ऑफ लर्निंग, एक बच्चे की प्रगति की तुलना उसकी खुद की पिछली स्थिति से करना होगा। दूसरा ऑप्शन है कंपेयर द प्रोग्रेस ऑफ वन चाइल्ड विथ अदर चाइल्ड, दूसरे बच्चों की प्रगति से तुलना करना होगा। कंपेयर द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड विथ दोज हु लर्न फास्ट एंड हैव लर्नड मोर, जल्दी सीखने वाले की तुलना करना होगा से तुलना करना होगा। ऑप्शन नंबर 4 है कंपेयर द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड विथ दोज हु स्पीक क्विकली, जल्दी बोलने वाले से तुलना करना होगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, यानी कंपेयर द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड विथ द प्रीवियस लेवल ऑफ लर्निंग। सो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। असेसमेंट इज अ टूल इज डैश फॉर बोथ टीचर्स एंड चिल्ड्रेन। आकलन ऐसा साधन है जो बच्चे व शिक्षक दोनों के लिए है। पहला ऑप्शन है यूजफुल, उपयोगी। दूसरा ऑप्शन है गुड, अच्छा। तीसरा ऑप्शन है इनइफेक्टिव, अनउपयोगी। चौथा ऑप्शन है नथिंग, कुछ नहीं। सही उत्तर है इसका पहला नंबर ऑप्शन, यानी यूजफुल, उपयोगी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। व्हाट डज फ्लुएंसी मीन्स, प्रवाहिता का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है प्रोनाउंसिंग द सेंटेंसेस करेक्टली, वाक्य का सही उच्चारण करना। दूसरा ऑप्शन है राइटिंग विदाउट एरर, शुद्ध लिखना। तीसरा ऑप्शन है स्पीक रीड एंड राइट टू एक्सप्रेस हरसेल्फ इन फेलिसिटी, सहजता के साथ बोल पढ़ और लिखकर अपने को व्यक्त करें। चौथा ऑप्शन है क्लेरिफाइंग द रूल्स ऑफ ग्रामर, व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करना। सही आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है स्पीक रीड एंड राइट टू एक्सप्रेस हरसेल्फ विथ फेलिसिटी, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। द इम्पॉर्टेंट वे टू असेस लिसनिंग स्पीकिंग इज, बोलने सुनने की क्षमता को आकलन का महत्वपूर्ण तरीका कौन सा है। पहला ऑप्शन है स्पीकिंग,
दूसरा ऑप्शन है लिसनिंग, तीसरा ऑप्शन है स्पीकिंग एंड लिसनिंग बोथ, बोलना सुनना दोनों, चौथा ऑप्शन है डिक्टेशन, श्रुति लेख। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 यानी डिक्टेशन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, व्हाट इज़ द वे टू मेजर ऑल लैंग्वेजेस प्रोफिशिएंसी ऑफ अ लर्नर, बच्चे की भाषा के बारे में सभी तरह की निपुणता के स्तर को मापने का एक तरीका क्या है। पहला ऑप्शन है एसे राइटिंग निबंध लेखन, दूसरा ऑप्शन है स्टोरी राइटिंग कहानी लेखन, तीसरा ऑप्शन है क्लोज टेस्ट, चौथा ऑप्शन है श्रुति लेखन। सही आंसर होगा क्लोज टेस्ट। तो जैसे कि आप सभी ने देखा, हमने साथ के साथ क्वेश्चंस को बनाया, क्वेश्चंस बनाने के बाद एक बार चेक कर लें कि आपने सारे ऑप्शंस को सही सही लगाया है या नहीं, क्योंकि मेनली होता क्या है कि टेस्ट देने के बाद ऑप्शंस छूट जाते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो हमारे क्वेश्चंस हैं, देने के बाद आप सभी को इसे सबमिट करना है और इन सारे क्वेश्चंस को माइंड में सेट रखिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जिसमें इन क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इनकी आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने स्कोर आएगी, जैसे कि हमने सारे ऑप्शन सही लगाए हैं, 7 out of 7 हमारा स्कोर है। 4 minutes 35 seconds हमने टाइम लिया है, अभी तक 806 लोगों ने अटेम्प्ट किया है और हमारा रैंक है फर्स्ट। तो आप भी जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसके बाद आप इसे रिव्यू भी कर सकते हैं यहाँ से, यानी आपने कितने ऑप्शंस को लगाए हैं, कौन कौन से ऑप्शंस लगाए हैं, यहाँ से आप जाके चेक भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टेस्ट वीक नंबर 18 का कोर्स नंबर 503 के लिए। अब बात करते हैं हम 29 जनवरी वाले टेस्ट की, यानी 29 जनवरी कोर्स नंबर 503 के MCQ की। अगर आपने इसे अटेम्प्ट नहीं किया है तो जाएं तुरंत अटेम्प्ट करें, इसमें 91 क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके चैनल पे अपलोडेड हैं। तो आपको मैं बता दूं आप कहां से आंसर देख सकते हैं, उसके लिए या तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी, अदरवाइज़ आपको अपने अपने YouTube में जाना होगा, अपने अपने YouTube में जाएं, सर्च करें तेज ट्यूब, TEJ TUBE तेज ट्यूब, 91 क्वेश्चन आंसर, तेज ट्यूब सर्च करें और टाइप करें 91 क्वेश्चन आंसर। आप वीक नंबर 18 भी लिख के सर्च कर सकते हैं, तो आप बस 91 क्वेश्चंस यहाँ पे सर्च करें, आप सभी के सामने वीडियो ओपन हो जाएगी, जैसे कि आप भी देख पा रहे हैं, आप वीक नंबर 18 कोर्स नंबर 503 91 क्वेश्चन आंसर्स, इसमें सारे के सारे वीडियोस के आंसर सॉल्व हैं। तो आप जाके इस पे क्लिक करके इन आंसर्स को देखें और अपने टेस्ट को दें अगर आपने नहीं दिया है। और मैं आप सभी को एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ नहीं देखी है तो जाएं अपने चैनल तेज ट्यूब पे और जाएं सीधा के सीधा अपने चैनल की इमेज पे आप क्लिक करें और आपको अपने प्लेलिस्ट में जाना है, यानी चैनल के प्लेलिस्ट में। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है सारे के सारे सीरीज़ आपको मिल जाएंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। तो जाएं अपने चैनल तेज ट्यूब पे, सारे वीडियोस को देखें। और मेनली जो प्रॉब्लम आती है वो है PDF की, आपको इस फाइल की यानी इस वीडियो की PDF को शाम तक मिल जाएगी अपने चैनल तेज ट्यूब पे। सो चैनल से अपडेटेड रहें, देखें, और असाइनमेंट्स के आंसर भी आपके चैनल पे अपलोडेड हैं। धीरे धीरे आप सभी के स्टडी सेंटर की प्रॉब्लम को दूर किया जा रहा है, जैसे कि कल हमने आप सभी के चैनल पे वीडियो डाला था आप सभी के स्टडी सेंटर से रिलेटेड, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। जितने भी आपने कमेंट्स किए थे मैंने कोशिश किए हैं कि सारे के सारे कमेंट्स को इसमें दूर किया जाए, और सब कमेंट्स को दूर भी किया गया है। तो आप जाके इस वीडियो को देखें, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में हम अभी पार्ट नंबर 15 पे हैं, तो बाकी के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाएं अपने चैनल तेज ट्यूब पे सारे पार्ट्स को देखें। और टेस्ट देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कल कुछ क्वेश्चन आए थे हमारे पास कि सर हमने पहले के टेस्ट नहीं दिए हैं, तो देखिए अगर आपने पहले के टेस्ट नहीं दिए हैं तो उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, जो अभी फ़िलहाल टेस्ट चल रहे हैं आप सब उन टेस्ट को दें। जो पहले के टेस्ट अगर छूट गए हैं तो अगर फिर से NIUS अपडेट करता है तो आप सभी उस टेस्ट को दे पाएंगे, बट अभी आप टेस्ट नहीं दे सकते हैं क्योंकि जो टेस्ट की डेट है वो लैप्स कर चुकी है। अभी फ़िलहाल दो टेस्ट ओपन, एक है आपको कोर्स नंबर 503 में, दूसरा टेस्ट है आप सभी के कोर्स नंबर 501 में, तो वहाँ से जाके आप अपने टेस्ट को दे सकते हैं। सो वीडियोस को देखते रहें, चैनल से बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।